जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि इन्हीं 24 घंटों में कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन गया, तो इन्हीं 24 घंटों में कोई विराट कोहली बन गया, इन्हीं 24 घंटों में कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो इन्हीं 24 घंटों में कोई आईएएस और आईपीएस बन गया। इसीलिए बहाने बनाना बंद कर दो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो जीरो से हीरो बने हैं। किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने वक्त का किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि समय बहुत ताकतवर है, क्योंकि यह किसी की जिंदगी को बना भी सकता है तो किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखना कि समय एक ऐसी संपत्ति है जिसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता। जीवन में यदि धन नष्ट हो गया तो कुछ नहीं गया, पर यदि समय नष्ट हो गया तो समझो बहुत कुछ चला गया। धन तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो समय चला गया तो वह हजार कोशिश करने के बावजूद भी वापस नहीं आ सकता। हमारे जीवन का हर एक पल बस गुजर रहा है, वह एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन हम रुक जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जिस तरह से हम समुद्र की बहती लहरों को रोक नहीं सकते, ठीक उसी तरह हम वक्त को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। समय किसी बहती हुई नदी के समान है, जो आगे तो बढ़ सकती है लेकिन उसी रास्ते से पीछे नहीं आ सकती। हम समय को देख नहीं सकते, लेकिन इसे गुजरते हुए महसूस कर सकते हैं। दिन रात और बदलते हुए मौसम, यह सब गुजरते वक्त की निशानी है। गुजरा वक्त हमें यह सिखाता है कि हमें जिंदगी में हमेशा हर काम समय पर करना चाहिए। जैसे अगर एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है और पढ़ाई की जगह दूसरे कामों पर ध्यान देता है, तो वह समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि जिस उम्र में वह दूसरे कामों पर ध्यान दे रहा है तो वह उन्हें आगे चलकर भी कर सकता है, लेकिन एक बार पढ़ाई करने की उम्र निकल गई तो फिर वापस नहीं आएगी। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि किस वक्त हमें किस काम को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हर काम को करने की एक निश्चित उम्र होती है। यदि उस उम्र तक हमने वह काम नहीं किया तो आगे चलकर वही काम एक बोझ बन जाएगा और हम उसे अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। हमें ये बात समझनी चाहिए कि समय किसी का गुलाम नहीं है और समय से ज़्यादा कीमती इस संसार में कुछ भी नहीं है। यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं तो एक दिन इस काबिल बन जाते हैं कि संसार की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संसार की सारी वस्तुओं को बेचकर भी गुजर चुके समय को वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। कभी भी अपने कामों को कल पर छोड़ने की आदत मत डालिए, क्योंकि यही आदत आगे चलकर समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनती है। इस बात को ध्यान में रखें कि समय निरंतर चलते रहता है, यह कभी रुकता नहीं है और न ही अपने चलने का तरीका बदलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम देता है। इसलिए अगर आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है आप वो दिल से कीजिए, आप एक ना एक दिन उस काम में जरूर सफल होंगे।